Good morning, students. Welcome to my new video. I hope you liked my last video and you would definitely like this one also. Debit and credit made easy. So, आप सोचेंगे कि कॉलेज में तो आपने डेबिट और क्रेडिट के बारे में पढ़ ही रखा है, तो फिर क्या कन्फ्यूजन है इन सिंपल सी टर्म्स में? डेबिट क्रेडिट डेट्स डेट क्रेडिट और यू कुड से डेटर क्रेडिटर, तो क्या कन्फ्यूजन है इन सिंपल सी टर्म्स में? लेट मी मेक यू कन्फ्यूज टुडे रिगार्डिंग डेबिट एंड क्रेडिट. सो डेबिट का मतलब जो है वो अगर हम कहें सिम्बॉलिकल फॉर्म में, जब हम अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग करते हैं, डेबिट मीन्स प्लस एंड क्रेडिट मीन्स माइनस. यू नो दिस. सो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं कहूं, आप कहते हैं कि मेरे मोबाइल फोन में क्रेडिट है. इफ़ वी टॉक अबाउट द प्रीपेड सिम कार्ड एंड यू से दैट आई हैव 100 रुपीज़ क्रेडिट इन माई मोबाइल फोन. सो अगर आपकी कंपनी है, सपोज कंपनी के मोबाइल फोन में इतना क्रेडिट है, तो क्या आप उसको माइनस कर देंगे बुक्स ऑफ अकाउंट से? क्या जो है वो आपका एसेट नहीं होगा, आपका प्लस होगा या माइनस होगा? कैसे ये डेबिट और क्रेडिट साइड बाय साइड इस डेबिट और क्रेडिट के वर्क करता है, आज हम जो है वो इस वीडियो में ये चीज क्लियर करेंगे. सो लेट मी एक्सप्लेन टू यू फर्स्ट दिस टर्म, दीज टू टर्म्स लाइक डेट एंड डेटर. सो व्हाट्स द डेट? डेट जो है वो किसे कहते हैं? डेट जो है वो एक कर्ज है. डेट जो है वो उर्दू में इसको हम कहेंगे क्या? कर्ज कहेंगे. कर्ज या जो है वो कर्जा. प्लीज बेयर विद मी अगर आपको लगे कि मेरा बोर्ड हिल रहा है, बिकॉज इट्स नॉट आई थिंक प्रॉपरली फिक्स्ड, इट्स हैंगिंग अलोंग द वॉल, दैट्स व्हाई यू कैन फील सो. सो ये है डेट, कर्जा. और डेटर कौन होता है? मकरूज या देनदार, जिसने कोई कर्ज देना हो. कर्ज देने वाला आप इसको कह सकते हैं कर्ज देने वाला, मकरूज या देनदार, ही इज द डेटर. एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट टर्म्स, क्रेडिट. क्रेडिट क्या है? क्रेडिट है उधार. और जो बंदा क्रेडिट लेता है उसके लिए क्या है क्रेडिट? क्रेडिट इज ऑल्सो काइंड ऑफ कर्ज, एक तरह का इसको लेन भी बोल सकते हैं आप, कि जो इसने लेना हो, क्रेडिटर ने लेना हो. और क्रेडिटर मतलब उधार देने वाला या लेनदार. सो उर्दू टर्म्स के मुताबिक हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं. यहां तक तो बात क्लियर है. ऑफ कोर्स आपने पढ़ भी रखा है अपने उसमें अकाउंटिंग की बुक्स में, और कॉलेज में आपको जो फर्स्ट फ्यू लेक्चर्स दिए गए होंगे. ऑफ कोर्स अगर आप जब आईकॉम में आते हैं, या इफ यू डोंट हैव एन अकाउंटिंग बैकग्राउंड, तो आप अगर बीकॉम में जाते हैं, तो सबसे पहले जो है वो आपको फर्स्ट वीक इन्हीं सारी टर्म्स के ऊपर लेक्चर दिए जाते हैं और बताया जाता है. सो व्हाट्स द कन्फ्यूजन हियर? कन्फ्यूजन है इसमें क्वेश्चन करते हुए, सवाल सॉल्व करते हुए, प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए स्टूडेंट्स क्या करते हैं? स्टूडेंट्स जो है वो क्रेडिट और डेबिट को मिक्सअप कर देते हैं व्हेन इट कम्स इन सम सिनेरियो. लाइक स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती कि कैसे हमने इसको लिखना है. लेट मी एक्सप्लेन इट बाय द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल हियर. सपोज हियर आर टू पर्संस, ए एंड बी. ए इज अ सप्लायर, B is a customer or the retailer. B goes to A and asks for the goods of ₹1,000. And B says, I would pay this money to you after 3 months. Or suppose after 1 month or after 2 months, whatever the time is. So, जो है भाई यहाँ पर B क्या हो जाएगा? B जो है वो debtor है, क्योंकि देनदार है ये. बी है देनदार, इसने जो है वो अमाउंट देनी है, और किसको देनी है? ए को. सो ए वुड बी द क्रेडिटर हियर, क्रेडिटर ऑफ बी फॉर दैट टर्म, जिस तक वो जो है वो इसको मनी वापस नहीं करता, यानी कि 1,000 इसको जो है वो जब तक वो नहीं दे देता. सो इस केस में ये डेटर और क्रेडिटर आपको क्लियर हो गया. यहां तक तो सब क्लियर है, लेकिन जब अगर हम क्वेश्चन में ये पढ़ते हैं, बी ओज अ सम ऑफ
1,000 to A. तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है? B O S. Who owes whom? Owes का क्या मतलब है? Owes का मतलब होता है to have some responsibility towards. कोई जिम्मेदारी होना. या मकरूज होना सिंपली. सो कौन किसका मकरूज है? B owes टू हिज क्रेडिटर ए अ सम ऑफ रुपीज 1,000. इफ वी से दैट बी owes टू ए बी सी लिमिटेड. सो यहां पर जो है वो डेटर कौन होगा और क्रेडिटर कौन होगा? You need to remember one thing that always the word or the person's name or the company's name which comes before the word owes, he is the debtor, and the word which comes after the word owes, the company's name or the person's name or you know whatever the entity's name is, that is here ABC Limited, they are creditors. They would always be creditor. So, ये question करते हुए आपने next time कभी O's के word पे confused नहीं होना. Let's get back to these terms now कि ये जो है वो debit और credit क्या है. These debit and credits you can say simply these are the symbols or the rules. There are some rules regarding debit and credit which I would be covering in our next lecture of course. So, ये debit और credit simply है terms of accounting. So, next time जब भी हम ये कहते हैं कि हमारे mobile phone में एक credit है, हमारे mobile phone में credit है, it means the mobile company, you know, we are creditor. In the other terms, we can say we are creditor to the mobile company and the mobile, its mobile company's responsibility towards us to, you know, give us the calls or the balance or the right of usage, basically. The right of usage for that amount of our credit. Or agar hum kehte hain ki humare bank account mein itna credit hai, toh isme bhi yahi hai ki like bank jo hai wo, that is responsible. That is bank is responsible ke jo hai wo hume provide kare itni money jitne se wo humara creditor hai. So, is case mein hum debit or credit ke rules is tarah se apply nahi karenge and we can't say that if we have this much credit in our mobile phones, for example, a credit of rupees 100, तो so हम उसको जो है वो minus नहीं कर देंगे अपनी books of account में, हम उसको credit side पर नहीं लेंगे. Because it's our asset, so हम इसको हमेशा जो है वो plus करेंगे अगर हमारे पास हमारे end में कोई debit है. This is because of double entry system of accounting, because we record the two impacts, all two effects of accounting in the double entry system together. That's why this occurs sometimes and the students get confused. I hope next time you would not feel confused about these terms and everything about owes and who owes whom would be clear. I hope this is clear to you students. So please give this video a thumbs up, like it, share it with your friends and also subscribe to my channel for next series of videos, upcoming videos regarding this accounting made easy. So bye bye for today. Thank you for watching this.